भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन क्रिकेटर शमी। मोहम्मद शमी की कहानी से तो हम और आप बखूबी वाकिफ हैं कि पिछले 3 महीने से जो गृह क्लेश उनके जिंदगी में चल रहा है वो वाकई सुर्खियों का हिस्सा बन गया है। इसी के साथ उनकी जो बीवी हैं हंसी जहां, वो आजकल अपनी किसी ना किसी कंट्रोवर्शियल बयान के चलते सुर्खियों में रहती ही हैं। तो हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको हसीन जहां, शमी की बीवी हसीन जहां से जुड़ी 4 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जान काफी हैरान रह जाएंगे आप सभी। दरअसल हसीन जहां ने अपना करियर एक मॉडल के तौर पर शुरू किया था, जब उन्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी उन दिनों हासिल नहीं हो पाई थी। मॉडलिंग के जरिए हसीन जहां अपना करियर बॉलीवुड में भी सेट करना चाहती, एक्ट्रेस बनना चाहती थी हसीन जहां, लेकिन शायद किस्मत का खेल कुछ और ही था, किस्मत को मंजूर कुछ और ही था कि उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स में चीयर लीडर बनने का मौका मिला। जी हाँ, चीयर लीडर बनी थी हसीन जहां और उसके बाद ही उनके करियर की जो नैया है वो पार लग पाई थी। सबसे पहले तो वो मॉडल बनना चाहती थी और दूसरे नंबर पे उन्हें जब कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयर लीडर बनाया गया, तब से उसके बाद से ही हसीन जहां को मॉडलिंग के कई सारे ऑफर्स मिले। तीसरी बात है मोहम्मद शमी की बीवी हसीन जहां की पहली शादी। जी हाँ, पहले भी हसीन जहां शादी कर चुकी थी जिनसे उनकी 2 बेटियां भी हैं और उनके पहले पति एक परचून की दुकान पर काम करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पति उनकी ख्वाहिशों को शायद पूरा नहीं कर सकते थे और इसीलिए हसीन जहां ने उनसे तलाक ले लिया। खबरों की माने तो हसीन जहां ने अपने पहले पति से तलाक इसी वजह से लिया था क्योंकि उनके काफी ज्यादा खर्चे थे और उनके पति खर्चा नहीं उठा पाते थे हसीन जहां का। तो वही चौथा और सबसे हैरान कर देने वाली बात शमी की बीवी को लेकर ये है कि उन्हें स्टेटमेंट चेंजिंग के लिए आजकल सबसे ज्यादा जाना जाने लगा है। और हम ये बात आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तमाम तरह के आरोप शमी की बीवी हसीन जहां ने उन पर लगाए थे तो उन्होंने ये बात भी कही थी कि शमी मैच फिक्सिंग में शामिल है, लेकिन जब इस बात की पूरी पड़ताल की गई तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। शमी किसी भी तरह की मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं थे और जब दोबारा से मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किए तो ये बात खुलकर सामने आई कि उन्होंने ये बात सिर्फ यूं ही कह दी थी। जो आदमी हसीन जहां को धोखा दे सकता है वो शायद देश के साथ भी गद्दारी कर सकता है। तो इस तरह से कई बार हसीन जहां को उनके स्टेटमेंट से भी पलते हुए देखा गया है। ये है वो 4 बातें हसीन जहां से जुड़ी जो वाकई हैरान कर देती हैं जब इस बारे में बात की जाती है, जब इस बारे में चर्चा की जाती है। खैर, अब इन दोनों मियां बीवी में सही कौन है गलत कौन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।